हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल, अहम एजुकेशनल चैनल। दोस्तों, आज हम नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम एमयू के सिक्स क्लास के एंट्रेंस पेपर को सॉल्व करेंगे, जिसमें आज हम 2016 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। पेपर को हमने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया है। आज हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, धमनी किसके अंतर्गत आती है? मूल स्वर, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण, तालव्य वर्ण। इसका आंसर है सी, संयुक्त वर्ण। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से नूतन का विलोम शब्द है? नया, पुराना, पुरातन, पहले का। तो इसका आंसर है सी, पुरातन। क्वेश्चन नंबर 3, ईदगाह कहानी के लेखक का नाम? प्रेमचंद, निर्मल वर्मा, अन्नपूर्णानंद वर्मा, कामतानाम। तो इसका आंसर है ए, प्रेमचंद। ईदगाह कहानी के लेखक का नाम प्रेमचंद है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित वर्णों में ओष्ठय वर्ण कौन सा है? क, च, फ, ह। तो इसका आंसर है सी, फ। क्वेश्चन नंबर 5, जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो? लोकप्रिय, सर्वप्रिय, शत्रुहीन, अजात शत्रु। तो इसका आंसर है डी, अजात शत्रु। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर कौन सा है? ई, री, ऊ। तो इसका आंसर है सी, ऊ। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से डैश जातिवाचक संज्ञा है? नगर, अलीगढ़, ताजमहल, आगरा। इसका आंसर है ए, नगर। क्वेश्चन नंबर 8, सर सैयद अहमद खां में संज्ञा में संज्ञा का भेद है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या द्विविधावाचक संज्ञा। इसका आंसर है ए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 9, लफ्ज मजहब के जमा क्या है? रस्मो रिवाज, मजाहिब, मजहबात, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी, मजाहिब। लफ्ज मजहब की जमा है मजाहिब। क्वेश्चन नंबर 10, किसी खास शख्स, चीज या जगह के नाम को क्या कहते हैं? इस्म नुकरा, इस्म जात, इस्म मारफा, इस्म फाल। इसका आंसर है सी, इस्म फाल। क्वेश्चन नंबर 11, नूर का मुतरादिफ क्या है? अंधेरा, रोशनी, नूरानी, तारिकी। तो इसका आंसर है सी, नूरानी। क्वेश्चन नंबर 12, केरला की राजधानी है? भोपाल, देहरादून, शिलोंग, तिरुवनंतपुरम। तो इसका आंसर है डी, तिरुवनंतपुरम। क्वेश्चन नंबर 13, बात करने वाला अपने लिए जो जमीर इस्तेमाल करता है इसे क्या कहते हैं? जमीर हाजिर, जमीर मुतकलम, जमीर गायब या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी, जमीर मुतकलम। क्वेश्चन नंबर 14, गजल के पहले शार को क्या कहते हैं? मुक्ता, मुतला, रदीफ या काफिया। तो इसका आंसर है डी, मुतला। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन सा लफ्ज मुजक्कर है? भूख, वक्त, छुट्टी, मेहनत। तो इसका आंसर है बी, वक्त। वक्त जो है वह मुजक्कर। क्वेश्चन नंबर 16, सिफत की निशानदेही करिए। बारीक, खून, लिबास, मक्खी। तो इसका आंसर है ए, बारीक। क्योंकि सिफत जो है, सिफत बोलते हैं एडजेक्टिव को। क्वेश्चन नंबर 17, नज्म दरिया किनारे चांदनी किस शायर की है? महमूद शिरानी, अख्तर शिरानी, जानिसार अख्तर, जावेद अख्तर। तो इसका आंसर है बी, अख्तर शिरानी। क्वेश्चन नंबर 18, फक्र चुस्त करना मुहावरे का मतलब बताइए। धोखा देना, मजाक उड़ाना, बेकार की बातें करना या दिल लगी करना। तो
इसका आंसर है बी, मजाक उड़ाना। क्वेश्चन नंबर 19, ह्यूमन बींग इज ओमनिवोरस, कार्निवोरस, हर्बीवोरस, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर है ए, ओमनिवोरस। क्वेश्चन नंबर 20, बीसीजी वैक्सीन इज गिवन टू प्रोटेक्ट द चाइल्ड फ्रॉम पोलियो, टेटनस, ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थेरिया। तो इसका आंसर है सी, ट्यूबरक्लोसिस। बीसीजी वैक्सीन इज गिवन टू प्रोटेक्ट द चाइल्ड फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस। क्वेश्चन नंबर 21, अ टॉर्निक्वेट इज यूज इन केस ऑफ फ्रैक्चरिंग, बर्निंग, हैवी ब्लीडिंग, इलेक्ट्रिक शॉकिंग। इसका आंसर है सी, हैवी ब्लीडिंग। अ टॉर्निक्वेट इज यूज इन केस ऑफ हैवी ब्लीडिंग। क्वेश्चन नंबर 22, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज ग्रेटर इन सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस, बोथ एंड सी। इसका आंसर है ए, सॉलिड्स। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज ग्रेटर इन सॉलिड्स। क्वेश्चन नंबर 23, द प्रोसेस यूज फॉर रिमूविंग सोल्यूबल इम्प्योरिटीज ऑफ वाटर, एवापरेशन, डिकेंटेशन, डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन। इसका आंसर है सी, डिस्टिलेशन। द प्रोसेस यूज फॉर रिमूविंग सोल्यूबल इम्प्योरिटीज ऑफ वाटर इज डिस्टिलेशन। क्वेश्चन नंबर 24, अ नट क्रेकर इज द लीवर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर। तो इसका आंसर है बी, सेकेंड ऑर्डर। अ नट क्रेकर इज द लीवर ऑफ सेकेंड ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 25, रॉक्स दैट आर फॉर्म्ड बाय कूलिंग ऑफ मैग्मा आर कॉल्ड इग्नस रॉक, सेडिमेंटरी रॉक, मेटामॉर्फिक या ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर है ए, इग्नस रॉक। रॉक्स दैट आर फॉर्म्ड बाय कूलिंग ऑफ मैग्मा आर कॉल्ड इग्नस रॉक। क्वेश्चन नंबर 26, द एनवेलप ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड आयोनोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, एटमोस्फेयर। तो इसका आंसर है डी, एटमोस्फेयर। द एनवेलप ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमोस्फेयर। क्वेश्चन नंबर 27, द सॉलिड विच डिजॉल्व्स इन द लिक्विड टू फॉर्म अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूट, सॉल्वेंट, मॉलिक्यूल, एटम। तो इसका आंसर है ए, सॉल्यूट। द सॉलिड विच डिजॉल्व इन द लिक्विड टू फॉर्म अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूट। क्वेश्चन नंबर 28, टाइल्स एंड ब्रिक आर मेड अप ऑफ सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, मार्बल, शेल। तो इसका आंसर है डी, शेल। टाइल्स एंड ब्रिक आर मेड अप ऑफ शेल। क्वेश्चन नंबर 29, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ सीड इनटू सीडिंग इज कॉल्ड एम्ब्रियो, डिस्पर्सल ऑफ सीड, जर्मिनेशन, एक्सप्लोजन। इसका आंसर है सी, जर्मिनेशन। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ सीड इनटू सीडिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन। क्वेश्चन नंबर 30, वैक्सीनेशन कैन बी डन फॉर बेरी बेरी, पोलियो, एड्स, स्कर्वी। इसका आंसर है बी, पोलियो। वैक्सीनेशन कैन बी डन फॉर पोलियो। क्वेश्चन नंबर 31, हाई एंड लो टाइड्स आर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एंड मून, मून एंड अर्थ, सन एंड अर्थ, ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर है ए, सन एंड मून। हाई एंड लो टाइड्स आर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एंड मून। क्वेश्चन नंबर 32, इंसेक्ट्स हैव टू पेयर्स ऑफ लेग्स, थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स, एट लेग्स, एट पेयर्स ऑफ लेग्स। तो इसका आंसर है बी, थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स, क्योंकि इंसेक्ट्स के हैव सिक्स लेग्स। क्वेश्चन नंबर 33, रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अंडर द अर्थ आर नोन एज लाइमस्टोन, डेट्रिटस, फॉसिल्स, शेल। तो इसका आंसर है सी, फॉसिल्स। रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अंडर द अर्थ आर नोन एज फॉसिल्स। क्वेश्चन नंबर 34, डांसिंग कैन बी कंट्रोल्ड बाय सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेड्यूला, बोन्स। तो इसका आंसर है बी, सेरिबेलम। डांसिंग कैन बी कंट्रोल्ड बाय सेरिबेलम। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो।